BTS के मेंबर जंगकुक और उनकी ट्रांसलेटर यानी एक्स ट्रांसलेटर निकोल का रिश्ता काफी ज्यादा यूनिक है और ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा और क्यूट मोमेंट आर्मीज के बीच में वायरल हो गया था, जहाँ पर हमारे जंगकुक बड़े ही प्यार से निकोल को बुलाकर उनसे कुछ पूछ रहे थे। आर्मी कह रही थी कि जंगकुक कितने क्यूट है, उन्हें हर छोटी छोटी सी बात पर निकोल की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन आखिर निकोल को जंगकुक ने क्यों बुलाया और उनसे क्या पूछा था, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आप में से काफी सारे आर्मीज जानती होंगी कि एक बार काफी पहले भी जंगकुक और चार्ली पुट ने एक साथ परफॉर्म किया था, जहां पर जंगकुक ने उनका फेमस सॉन्ग वी डोंट टॉक एनीमोर गाया था। तो दोस्तों, जब जंगकुक इसे स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे, उसके बाद BTS के मेंबर्स को स्टेज पर बुलाना था, लेकिन ये बार जंगकुक को इंग्लिश में बोलनी थी और उस समय जंगकुक को इंग्लिश नहीं आती थी। तो फनी बात ये हुई थी कि जंगकुक को देखा गया था स्टेज के कॉर्नर पे, जब जंगकुक अचानक से निकोल को आवाज लगाने लगे और उनसे पूछने लगे कि चार्ली के साथ गाना गाने के बाद मुझे 40 सेकंड तक कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में बोलना है, और उनसे ये भी कहना है कि क्या हम BTS के मेंबर्स को ऊपर बुला लें, तो आखिर इस बात को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। जिसके बाद हमारी प्यारी निकोल जंगकुक को सिखाने लगी कि इस बात को इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है। निकोल ने जंगकुक को बोला कि उन्हें बोलना चाहिए शैल वी मीट द गाइस, लेकिन क्योंकि जंगकुक को इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए ये बोलने में जंगकुक को काफी मुश्किल हो रही थी और ये सब कुछ देखने में वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहे थे। और निकोल बड़े ही अच्छे से जंगकुक को ट्रांसलेट करके समझा रही थी कि उन्हें कैसे बोलना चाहिए, और फाइनली लास्ट में जंगकुक को समझ में आ गया कि उन्हें चार्ली से किस तरीके से इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो ये पूरा इंसिडेंट एक वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था, जो कि काफी वायरल हो गई थी, और आर्मीज बोल रही थी कि जंगकुक और निकोल का रिश्ता कितना यूनिक और प्यारा है कि जंगकुक को छोटी छोटी बातों के लिए भी निकोल को बुलाना पड़ता है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सच थी कि निकोल और BTS के मेंबर्स का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, बेसिकली वो उनकी ट्रांसलेटर ही थी, तो हर बात में उनको उनकी जरूरत पड़ती थी। BTS कहीं पर भी जाए तो निकोल उनके साथ ही जाती थी और हर चीज ट्रांसलेट करके उनको बताती थी, तो एक तरीके से उनकी काफी अच्छी दोस्त थी। लेकिन रिसेंटली निकोल का ट्रांसफर हो गया और उन्होंने बिग हिट की नौकरी भी छोड़ दी है, जिसकी वजह से जब रिसेंटली ये वीडियो आर्मीज के सामने आई तो बहुत सारे आर्मीज टेंशन में आ गई थी और सोच रही थी कि क्या BTS को नया ट्रांसलेटर मिल गया होगा या फिर नहीं, और अगर मिला भी होगा तो उसके साथ BTS का रिलेशन कैसा बन रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से निकोल BTS को समझाती थी, उनका साथ देती थी, जरूरी नहीं है कि नया ट्रांसलेटर वैसा ही हो। हालांकि अब तो BTS के मेंबर्स भी इंग्लिश समझते हैं, फिर भी उनको ट्रांसलेटर की जरूरत है, तो आर्मीज उम्मीद कर रही थी कि उनका नया ट्रांसलेटर उनसे काफी अच्छे से बिहेव करे और उसके साथ भी BTS काफी अच्छे से घुल मिल जाए, क्योंकि एक ट्रांसलेटर एक तरीके से आपका साथी ही होता है, जिसकी जरूरत आपको हर इंस्टेंस पर पड़ती है। तो आर्मीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि निकोल और BTS के मेंबर जंगकुक का ये मूवमेंट आपको कैसा लगा। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।